नाज़रीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की बात खास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन ग्रामी, मैं अंसार अजीज नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिन अहबाब ने नहीं देखा है ज़रूर जा करके देखें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन ग्रामी आप लोगों की मजबूती है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िला वाक़ सरकारी हॉस्पिटल में नवजायदा बच्चों को बुखार के लिए दी जाने वाली दवा पैरासीटामोल सीबी पीडियाट्रिक और ओरल सस्पेंशन जांच में नाकाम हो चुकी है। इस मामले में अब संगीन लापरवाही सामने आ, जांच में इस दवा के फेल होने की खबर मिलते ही महकमे सेहत हरकत में आ गई। इस मामले में CMHO डॉक्टर संजय मिश्रा का कहना है कि एलगन अस्पताल में सप्लाई किए गए ओरल सिरप में थक्का जम गया है, जिस वजह से बोतल को हिलाने के बाद भी दवा ठीक तरह से घुल नहीं रही। हैरत अंगेज बात तो यह है कि जांच की रिपोर्ट आने में 8 माह का वक्त लग गया और अब तक तकरीबन 98% दवा इस्तेमाल कर ली गई। ये दवा नवजायदा बच्चों से लेकर 12 साल तक के बच्चों को दी जाती है। कोरोना के नए वेरिएंट फ्लर्ट ने डराना शुरू कर दिया है। कई ममालिक में इस नए वेरिएंट के सबब कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। सिंगापुर में तो हालत खौफनाक दिखाई पड़ रही है, अमरीका में भी हालत तश्वीशनाक है, हत्ता के हिंदुस्तान में भी गुज़श्ता 1 माह में कोरोना मुतासरीन की तादाद काफ़ी बढ़ी है। नाज़रीन, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने एक बयान में कहा कि कांग्रेस इंडिया इत्तेहाद इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के कई लोगों की सोच में बहुत तब्दीली आई। इंडिया इत्तेहाद के हक में एक खामोश लहर चल रही है जो लोकसभा इंतखाब में BJP को अक्सरियत हासिल करने से रोकने में कामयाब रही है। तबसरा उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए खसूस इंटरव्यू में किया, जिसकी कटिंग कांग्रेस सदर ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर की है। इधर BJP ने साबिक मरकजी वजीर जयंत सिन्हा को वजह बताओ नोटिस जारी किया। हिदायत की कि वो 2 दिन के अंदर इस पर अपना मौकफ वाजे करें। पार्टी ने जयंत सिन्हा को जारी करदा नोटिस में हजारीबाग लोकसभा हलके से मनीष जायसवाल को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद आप ना तो इंतखाबी मुहिम में दिलचस्पी ले रहे हैं और ना ही तंजीमी कामों में हिस्सा ले, आपने इंतखाबात में अपने हक राय का भी इस्तेमाल नहीं किया। जयंत सिन्हा के साथ ही BJP ने धनबाद के MLA राज सिन्हा को भी नोटिस जारी कर दिया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल BJP पर मुसलसल हमले कर रहे। मंगल 21 मई को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर BJP उसके लीडरों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि योगी जी ने भी मुझे गालियां दी, आपसे मैं नहायत आजीजी से कहना चाहूँगा कि आपके असल दुश्मन आपके अपनी पार्टी में बैठे हैं, BJP में अपने दुश्मनों से निमटने केजरीवाल को क्यों गालियाँ दे रहे हैं, बल्कि उनसे निपटिए। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली। राउस एवेन्यू कोर्ट ने साबिक डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की अदालती तहवील में 31 मई तक तोसी कर दिया। दिल्ली में मुबैना शराब घोटाले की तहकीकत कर रही CBI ने गुज़श्ता साल फरवरी में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। ED इस मामले मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकत कर रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुई जिसमें एक शख्स हाथ में शराब की बोतल पकड़े नजर आ रहा है। इस पर छपी BJP के बड़े लीडरों की फोटो दिखाकर कह रहा है कि यहाँ बहुत तरक्की हो रही है, बोतलों पर सियासतदानों की फोटो लगाकर प्रचार किया जाए। इस वीडियो को समाजवादी पार्टी के सरबरा अखिलेश यादव ने भी शेयर किया, जिसके बाद ये मामला सुर्खियों में आ गया है। आम आदमी पार्टी पर बैरून मुल्क के गैरकानून नामनासिब चंदा लेने के इल्जाम आयद किए गए। आम आदमी पार्टी ने इल्जाम को मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और झूठा करार दिया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बरसों पुराना इल्जाम है। इन तमाम बातों पर आम आदमी पार्टी वजारत दाखिला इलेक्शन कमीशन ED और CBI को जवाब दे चुकी है। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो मगरब बंगाल की वजीर अली ममता बनर्जी ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी 2024 के इंतखाबात में इकतदार से बेदखल नहीं किया गया तो आइन हिंदुस्तान का ख़त्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के फरखाबाद की एक अदालत ने नाबालिग बेटी के साथ इज्तिमा इस्मतदरी के मामले में लेखपाल वालिद समेत 5 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई, जबकि मुतासिरा की दादी को 8 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। लंदन से सिंगापुर जा रहे सिंगापुर एयरलाइंस की तैयारी को प्रवास के दौरान संगीन ट्रिब्यूनल्स का सामना करना पड़ा। खराब मौसम की वजह से तैयारी को इमरजेंसी लैंडिंग कराने की जरूरत पड़ी। इस दौरान एक शख्स की मौत वाक़ हो गई, दर्जनों अफराद के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रहे हैं। ब्राज़ील में शदीद बारिशों और सैलाब के बायस हलाक शुदगान की तादाद 158 को पहुँच चुकी है।
रूस का पेश करदा और खला को असले की तनसीब से पाक रखने से मुतल फैसला बिल अकवा मुतहदा की सलामती कौंसिल से जरूरी ताउन हासिल नहीं कर सका। 15 रुकनी सलामती कौंसिल में रायशुमारी के लिए पेश किए एक बिल को 7 मुस्बत 7 ही मनफी वोट मिले जबकि एक वोट गैर जानबदार रहा है। इधर जनूब मगरबी कोलंबिया में पुलिस अफसरान पर बम हमले में 2 पुलिस अफसरान समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। काओका इंतजामी इलाके के मोरालिस कस्बे में एक होटल के करीब पुलिस अहलकारों पर दस्ती बम हमला किया गया है। जापान की दारुलहुकूमत टोक्यो के जनूब में वाक़ जजायर गास्वारा के करीब मकामी वक्त के मुताबिक 6 शिद्दत के जलजिले के झटके महसूस किए जाने की खबरें आ रही हैं। मकबूजा मगरबी किनारे के शिमाल में वाक़ शहर जिनीन और जिनीन पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइली फौज के हमलों में एक डॉक्टर समेत 6 फिलिस्तीनी ने अपनी जान से हाथ धो बैठे और 10 शहरी जख्मी हुए हैं। जालिम दहशतगर्द सहयोनी दरिंदे लगातार जिनीन में भी इस वक्त अपनी दरिंदगी जारी रखे हुए हैं। जालिम इसराइल का जालिम दहशतगर्द वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल के वज़ीर आज़म वज़ीर दिफा की गिरफ्तारी की दरख्वास्त यूनिवर्सिटी कैंपों से बैनुल अक़वामी ताज़ीराती अदालत तक पहुँचने वाली सहयोनी दुश्मनी की एक ताज़ा मिसाल है। नेतन्याहू ने बैनुल अक़वामी ताज़ीराती अदालत के अटॉर्नी जनरल करीम खान की तरफ से अपनी और वज़ीर दिफा यूआफ गालंद की गिरफ्तारी के फैसले की दरख्वास्त पर रद्दअमल का इजहार किया था। ईरान के उबूरी सदर महमूद मुखबिर की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में पार्लिमानी स्पीकर अदलिया के सरबराहान ने ईरान में सदारती इंतखाबात 28 जून को कराए जाने का फैसला कर लिया है। नाज़रीन में आज की बात खास बात में इतना, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।